अब हुआ कुछ यूं है कि न्यूयॉर्क में कहा जा रहा है कि तारीख में पहली मर्तबा वहां पर दिवाली को पब्लिक हॉलीडे के तौर पर अब ये डिक्लेयर कर दिया गया है। न्यूयॉर्क सिटी ऑफिशियली डिक्लेयर्स दिवाली ए पब्लिक स्कूल हॉलीडे, स्टूडेंट्स विल हैव डे ऑफ स्टार्टिंग इन 2024। यहां पर इस खबर में जो कि इंटरनेशनल मीडिया में कई एक जगहों पर यह खबर पब्लिश हो रही है और अमरीकी मीडिया में भी ये पब्लिश हुई, तो चेंजेस आज आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं, दिए दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल ये कि आज दीपावली है, आज दीपावली है। मैं खुद आज बड़ा खुश हूँ, एक मैंने पार्टी हमने उस दिन मैंने की, मैंने आपको क्लिप भेजूंगा। तो आप देखिए कि ये इतना बड़ा एक त्यौहार बन चुका है। वैसे तो ये हिंदू त्यौहार है, यानी कि हिंदू कम्युनिटी का ये त्यौहार है, इंडिया में जो है वो बहुत ज्यादा मनाया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया इसको अब ऐसे ही देख रही है और इसको मना। सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं देख रही थी कि कुछ खबर ये चल रही थी कि जो यूएई है उसने भी दिवाली को पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया। हेलो गाइज, मेरा नाम अनु धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो अमेरिका का बहुत बड़ा सिटी है वहां पर दीपावली को पब्लिक हॉलीडे घोषित कर दिया गया, जैसे हमारे यहां पर छुट्टियां होती हैं उसी तरीके की छुट्टी वहां पर घोषित कर दी गई। पाकिस्तान का मीडिया कहीं ना कहीं जरूर सोच रहा होगा कि दीपावली की छुट्टी तो हो जाती है लेकिन ईद की छुट्टी क्यों नहीं होती है अमेरिका के अंदर। पहले आप इनकी बातें सुनिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। हमारे पास काफी अरसे से उड़ती उड़ती आ रही है कि जनाब ये वाला कंट्री जो है वो दिवाली को पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करने वाला है, यहाँ पर ऐसा हो गया, यहाँ पर हो गया, लेकिन कहाँ पर हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। और हैरानकुन खबर है क्योंकि इससे पहले इस कंट्री के बारे में और न्यूयॉर्क के बारे में ये कोई नहीं कह रहा था कि न्यूयॉर्क में जो पब्लिक हॉलीडे इसको करार दिया जाएगा। अब हुआ कुछ यूं है कि न्यूयॉर्क में कहा जा रहा है कि तारीख में पहली मर्तबा वहां पर दिवाली को पब्लिक हॉलीडे के तौर पर अब ये डिक्लेयर कर दिया गया है। न्यूयॉर्क सिटी ऑफिशियली डिक्लेयर्स दिवाली ए पब्लिक स्कूल हॉलीडे, स्टूडेंट्स विल हैव डे ऑफ स्टार्टिंग इन 2024। यहां पर इस खबर में जो कि इंटरनेशनल मीडिया में कई एक जगहों पर ये खबर पब्लिश हो रही है और अमरीकी मीडिया में भी ये पब्लिश हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि 2024 से ये फैसला किया गया और ये स्टार्ट किया जाएगा और पब्लिक हॉलीडे होगी। लेकिन इसी के साथ उसकी जो डिटेल्स मिलती हैं उसमें ये भी पता चलता है कि 2023 में भी काफी जगहों पर छुट्टी है, यानी मनाया जा रहा है इसको इसी तरीके से पब्लिक हॉलीडे के तौर पर, लेकिन जो डिक्लेयर किया गया है वो ये कहा गया है कि 2024 से ऑफिशियली न्यूयॉर्क सिटी में, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क में आप जानते हैं कि कितना अहम कंट्री, और यानी अगर हम न्यूयॉर्क की बात कर लें तो वहां से ये कहा गया कि जनाब हम इसको ये समझते हैं कि दिवाली को एज ए पब्लिक हॉलीडे जो है मनाना चाहिए। क्यों आपको बताती हूँ और किसने कहा ये भी आपके सामने रखते हैं। तो चेंजेस आज आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं, दिए दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल ये कि आज दीपावली है, आज दीपावली है। मैं खुद आज बड़ा खुश हूँ, एक मैंने पार्टी हमने उस दिन मैंने की, मैंने आपको क्लिप भेजूंगा, हमने बड़ा हल्ला गुल्ला किया दिवाली का सिख बरादरी के साथ यहाँ पे। जसदीप जो कि मेरे भाई है उन्होंने बहुत बड़ा इवेंट किया, तकरीबन 150-200 लोग थे। और मंडे को एक हमारी एक और है दिवाली, उसमें तो खैर गवर्नर जो है वेस्ट मोर हमारे स्टेट के, जो आगे वाइस प्रेसिडेंशियल या प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी बनेंगे, वो अपने घर में कर रहे हैं पार्टीज की, तो उस दिन भी बहुत अल्ला गुल्ला होगा। आपका मुझे बिलखसूस आज जो मुझे सबसे ज्यादा है जो आपने फ्रेम बनाया है तो वो बड़ा, और मुझे आरजू एटलीस्ट 100-200 अपने मेरे हिंदू भाइयों की के मैसेजेस आ चुके हैं। और अभी मैं जिस तरह आपसे पूछ भी रहा था, आज मैंने सोचा हुआ कि बैठ के सबको मैं रिटर्न मैसेजेस करूंगा और साथ दुआ भी दूंगा अगले आने वाले साल के अंदर इसी तरह उनकी जिंदगी में रोशनियां आए, खुशहाली आए, सेहत हो। और आज मैं बड़ा खुश हूँ इट्स क्योंकि मेरे हिंदू भाई बहुत खुश हैं, सो इस फेस्टिवल टू बी सेलिब्रेटेड मैटर ऑफ फैक्ट। तो उसके पीछे जो स्पिरिट है दिवाली के, जो स्पिरिट है वो भी रोशनियां जिंदगी में आना और ये इस फॉल को वेलकम करना, फेस्टिविटी होना, इसके अंदर हर चीज है। इसमें आपका स्पिरिचुअल भी है, मार्केटिंग भी है और इसमें सारा कुछ है, और इसको मैं समझता हूँ कि अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकें, दिली मुबारकें और दुआएं आने वाले सालों के लिए। ये जनाब हुआ ये है कि जो दिवाली इज ऑफिशियली न्यूयॉर्क सिटी पब्लिक स्कूल हॉलीडे, ये कहना था मेयर एरिक एडम्स ने अनाउंस किया है मंडे को, और एडम्स ने ये अनाउंसमेंट जो है वो सिटी हॉल में पब्लिक को ज्वाइन किया, वहां पर असेंबली मेंबर जेनिफर राजकुमार जो कि द फर्स्ट हिंदू अमेरिकन एंड फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन वुमेन इलेक्टेड टू स्टेट ऑफिस हैं,
उनके साथ, वो भी वहां पर मौजूद थी, और उनके साथ ये अनाउंसमेंट की गई जिसमें ये बताया गया कि टुडे वी से टू ओवर 600,000 हिंदू सिख बुद्धिस्ट एंड जैन अमेरिकन, हम आपको जो है वो ये बताना चाहते हैं, ये अनाउंस किया गया, रिकग्नाइज करते हैं इसको, और न्यूयॉर्क में 2024 से दिवाली को एज ए पब्लिक हॉलीडे मनाया जाएगा और स्कूल्स में छुट्टी होगी। तो इसमें अनाउंसमेंट जो है उसमें कम्स आफ्टर स्टेट लॉ मेकर्स। अब इसके लिए ये नहीं है कि फौरी तौर पर अभी उन्होंने सोचा अनाउंस कर दिया, नहीं, इससे पहले एक बिल आया था और वो बिल पहले 2021 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसके बाद 2022 में इसको री इंट्रोड्यूस करवाया गया और अब वो बिल पास हो गया है और उसके मुताबिक जो है ये अब अनाउंस किया गया है और इसमें कहा गया है कि इसको जो है वो अब स्कूलों में छुट्टी होगी दिवाली के मौके पर। तो आप देखिए कि ये इतना बड़ा एक त्यौहार बन चुका है, वैसे तो ये हिंदू त्यौहार है, यानी कि हिंदू कम्युनिटी का ये त्यौहार है, इंडिया में जो है वो बहुत ज्यादा मनाया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया इसको अब ऐसे ही देख रही है और इसको मना रही है। अब इसमें देखिए उन्होंने बताया कि 600,000 हिंदू वहां पर मौजूद हैं न्यूयॉर्क में, और हम इससे पहले भी कई मरतबा बात कर चुके हैं कि जो इंडिया की लॉबिंग है, जो वहां पे रहने वाले उनकी कम्युनिटी है, जो लोग हैं वो बहुत जबरदस्त हैं, उनको अपनी बात मनवाना आती है, इंडिया का उन्होंने कुछ भी करवाना हो किसी कंट्री में यूं करके जो काम करवा लेते हैं अपना, और इसकी वजह यह है कि उनकी इंडिया के जितने अथॉरिटी लेवल पर अमेरिका में लोग हैं उसमें बड़ी तादाद इंडियंस की मौजूद है और उनको कोई हाथ लगा कर देखे, यानी ये कि उनसे कोई वो अगर एक बिल लाएं और उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं तो यकीनी बात है कि उनको सपोर्ट हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं होती। यही वजह है कि उन्होंने ये बिल जो है पास करवा लिया है और अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो है फैसला हुआ है और न्यूयॉर्क ने इसको पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया है, तो बड़ी मुबारकबाद, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं देख रही थी कि कुछ खबर ये चल रही थी कि जो यूएई है उसने भी दिवाली को पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया है। देखिए अमेरिका के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है ना एक पावरफुल कम्युनिटी बनती जा रही है। आपने देखा होगा कि पिछली बार और इस साल भी व्हाइट हाउस के अंदर भी दीपावली मनाई गई है। इसके अलावा जो पब्लिक हॉलीडे है उसमें भी इसको शामिल किया गया है। न्यूयॉर्क का जो सिटी है धीरे धीरे करके और सिटीज़ के अंदर इसको शामिल किया जाएगा। देखिए जो हिंदू फेस्टिवल होते हैं इनसे लोगों का जुड़ाव बहुत होता है और जो यूरोपियन कल्चर है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को इन सारे त्योहारों से कनेक्टेड जो है फील करता है। जैसे होली हो गई तो होली के अंदर जैसे यूरोपियन लोग पार्टी करना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, इसके अलावा मौज मस्ती करना पसंद करते हैं, तो ये होली जो फेस्टिवल है इसके अंदर लोग इन्जॉयमेंट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करता है। इसके अलावा दीपावली जो है वो सत्य की जीत है असत्य के ऊपर, ये भी कहीं ना कहीं उनको फैसिनेट करती है। दीपावली जो है अंधेरे को दूर करती है और ये इस बात का प्रतीक है कि अंधेरा चाहे जितना छा जाए लेकिन एक दीपक की रोशनी भी उसको कहीं ना कहीं टक्कर दे सकती है, एक होप दे सकती है, और जो हिंदू कल्चर है उससे कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्री अपने आप को कनेक्टेड फील करती है। अच्छा अगर इस्लामिक कल्चर से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड नहीं फील करती है क्योंकि उसमें बाउंडेशन बहुत सारी होती हैं, आप उसमें गाना नहीं सुन सकते हैं, म्यूजिक नहीं सुन सकते हैं, इसके अलावा बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं कर सकते हैं, तो आप सिर्फ जाते हैं उनके घर और खाना खाते हो चले आते हैं, तो इस चीज़ से ज़्यादा जुड़ाव नहीं होता उन लोगों का। न्यूयॉर्क के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले टाइम के अंदर अमेरिका के अंदर भी बढ़ ही रही है, लोग जा रहे हैं। इसके अलावा वहाँ की जो कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को भी कबूल रही है अगर उनको सही लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके अंदर जो हिंदू फेस्टिवल है उनका कहीं ना कहीं क्रेज बढ़ रहा है और लोग इसको बढ़ चढ़कर मना रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।